press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत एज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की मशहूर पत्रकार अंजू पंकज जी को, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजी लाई खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। प्रैक्टिकल मोड पर मैं आती हूँ। प्रैक्टिकली आप देखिएगा कि अभी देखिएगा आपके जो लोग पब्लिक रिएक्शन लेते हैं, उनके सामने मुसलमान आकर कहते हैं मोदी जी ने हमारे लिए क्या किया है, हमको तो नौकरी नहीं मिली है, हमको तो कुछ नहीं मिला है। भाई ठीक है, अब उन मुसलमानों से आप सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि भाई तेरी उम्र 70 साल है, 60 साल है, 50 साल है, आज 10 साल से ही तुझे याद आया कि तुझे नौकरी चाहिए थी, इससे पहले तुझे याद नहीं आया कि तुझे नौकरी चाहिए। अब एक काम कर तू भैया, तू मुझे कर्नल की स्पेलिंग बता दे, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग बता दे, या तूने जो कपड़े पहने हुए हैं उस कपड़े की ही स्पेलिंग बता दे। ठीक है, तू अंग्रेजी नहीं बोल पाता है तो उर्दू में ही लिखकर बता दे, उसमें भी ये लोग नील बटा सन्नाटा है, उसकी भी मैं एक रेफरेंस आपको दे देती हूँ। अभी हालिया में पाकिस्तान में एक लड़की दुबई से मंगा, सऊदी अरबिया से मंगा करके हलवाई करके एक कपड़ा पहनी हुई थी, अरबी में लिखा हुआ था, जिसका अर्थ निकलता है खूबसूरत, और उसको उसको नंगा करने के लिए सारे मुसलमान, अश्लील मुसलमान खड़े हो गए, और कुछ दो चार मौलवियों ने बुला करके कहा कि तुम नाक रगड़ करके माफी मांगो। तो ये इस बात की वाजह बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जा रही है कि पाकिस्तान और भारत के मुसलमानों को ना अरबी पढ़ना आता है, ना अरबी समझना आता है। आज इस शर्ट पर अगर मैंने लिखा हुआ है ओ माई गॉड या भगवान मेरा भला करे, तो आप तो पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जब आप नहीं पढ़िएगा, नहीं समझिएगा, तब आप बोलिएगा कि नाजी ये क्या लिखा हुआ है जरा बताना, तो ये तो क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब जैसे मैं डिबेट्स पर बैठती हूँ तो कई बार मैं अरबिक में एक आध दो लाइन में बोल देती हूँ, और इंटेंशनली बोलती हूँ ताकि जनता को, मुझे पता है कि साजिद रशीदी को अरबी बोलना भी नहीं आता, अरबी समझना भी नहीं आता, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं इंटेंशनली बोलती हूँ जिसमें जनता को ये पता चले, भारत की जनता को, कि भाई ये जो चिटिंगबाज मौलाना है ये सिर्फ रटा है तोते की तरह कुरान को, अदरवाइज अरबी भाषा इनको नहीं आती है, दैट्स इट, ये बात माननी पड़ेगी। तो जो मुसलमान आज पंचर के दुकान में काम करते हैं, रेड़ी लगाते हैं, कपड़ा बेचते हैं, पुचका बेचते हैं, नींबू पानी बेचते हैं, आज 10 साल में उनको ये एहसास हो रहा है कि उनको IAS और IPS बनना चाहिए था, उनको बैंकर बनना चाहिए था। तो ये बनने के लिए ना जिंदगी का आधा हिस्सा पढ़ाई को समर्पित करना पड़ता है, पढ़ाई मदरसे में सब नहीं होगा ना, मदरसे में पढ़ाई करने के बाद ये सब तो नहीं होगा। लेकिन ये जो नाजिया जी, ये जो 13,000 मदरसों की हम बात कर रहे हैं, इनमें बताया जा रहा है कि सबको बाहर से फंडिंग हो रही थी, विदेशों से फंडिंग आ रही थी, और उसके बारे में ये जो SIT का गठन किया गया था योगी सरकार की तरफ से, उनको ये बता ही नहीं पाए कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, और ये सबके सब नेपाल बॉर्डर पर बने हुए। हाँ जी, जानबूझ करके। जैसे आप पश्चिम बंगाल आइएगा तो आप देखिएगा बशीरहाट, वही सेम बशीरहाट में आप देखिएगा हाड़वा एक डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर मैंने काफी डोनेशन दिया था मदरसे को, और मैंने कई सारे एम्बुलेंस दिए हैं, कंप्यूटर दिया है, जिसके फोटोग्राफ्स और प्रूफ मेरे पास है। वहां सबसे ज्यादा मदरसा है हाड़वा में, क्योंकि वो बांग्लादेश बॉर्डर को टच करता है। उसी तरीके से जब आप उत्तर प्रदेश जा रहे हैं तो नेपाल बॉर्डर को जो टच करता है वहां पर उनके मदरसे सबसे ज्यादा होंगे। अब उसके बाद फिर आप महाराष्ट्र चले जाइए, वहां पर भी जो बॉर्डर टच कर रहा होगा वहां पर सबसे ज्यादा मदरसे होंगे, और मुस्लिम पॉपुलेशन भी, मुसलमानों की झोपड़ी पट्टी भी सबसे ज्यादा होगी, जिससे इनको कई फायदे होते हैं। पहला फायदा होता है कि घुसपैठिया ये आराम से बुलाते हैं, क्योंकि वहां के वो लोकल हो जाते हैं। दूसरा फायदा होता है कि ड्राई नशे का सामान ये आराम से मंगवाते हैं, जिसकी जिंदा मिसाल मैं आपको बता दे रही हूँ कि पाकिस्तान का बॉर्डर पंजाब से लगता था और पंजाब बर्बाद हुआ था बिकॉज ऑफ पाकिस्तान का ड्राई नशा की वजह से, जिस पर मैंने काफी रिसर्च किया था। तो जिस ड्राई नशा को हम लोग कोकीन, ड्रग्स कहते हैं, गांजा कहते हैं, वहां उसको छुपे लफ्जों में आइस कहा जाता है, आइस, ताकि लोग समझे ना। अगर बॉर्डर में CRPF वगैरह खड़े भी हैं और अगर कोई दूर से पूछ भी रहा है आइस लाया है, तो उनको ये लगेगा कि अरे ये तो मजाक कर रहा है, आपस में सामने सामने खड़ा है तो मजाक कर रहा है, बट बेसिकली वो लोग आपस में पूछ रहे हैं कि तुम नशे का सामान लाए हो कि नहीं लाए हो।
तो मुसलमान इसलिए ही बॉर्डर पर मदरसा बॉर्डर पर रहना ज्यादा सही और सेफ और सिक्योर समझता है, ताकि वो घुसपैठिया भी एंटर करवा सके भारत के अंदर, नशे का सामान भी एंटर करवा सके और फंडिंग में भी कोई दुविधा ना हो। और साथ साथ आप देखिएगा कि जब भी मुस्लिम एरिया में जब बुलडोजर चलता है या अवैध निर्माणों को तोड़ा जाता है, तो इनके पास अचानक से बहुत सारी बाइक आ जाती है, अचानक से बहुत सारा पेट्रोल पंप पेट्रोल वाला वो बॉम्ब आ जाता है जो शीशी में बनता है। तो ये सारी सुविधाएं भी इनको बॉर्डर के पास से मिलती है भारत के अंदर लेकर के आने के लिए। जिनको खाने खाने का नहीं है उनके पास बाइक बाइक जो है वो लाइन से खड़ी हो जाती है जलाने के लिए। तो ये बाहर की फंडिंग बिल्कुल क्लियर है और सही है और सच है। तो SIT कमेटी जो संगठन हुई थी उसके रिपोर्ट में जो लिखा गया है वो बिल्कुल सही लिखा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कई ऐसे केसेस है और कई ऐसे इंफॉर्मेशन है जो हम लोग ऑनलाइन या कैमरा के सामने हम शेयर भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि विंटर सेशन में जब अमित शाह जी ने ये बात कही थी कि बॉर्डर सबसे ज्यादा सेफ और सिक्योर होना चाहिए और दीवारें इतनी लंबी होनी चाहिए, इतनी ऊंची होनी चाहिए कि भारत पर एक परिंदा भी पर ना मार सके, तो मैंने उस पर बहुत बार ये बात कही थी कि बहुत पहले सोचना चाहिए था, पर चलो देर आए दुरुस्त आए। और ये बॉर्डर को इतनी ऊंची दीवार कर देनी चाहिए कि ये जितने लफंदरबाज मुसलमान यहाँ पर रह रहे हैं पैंट का जिप खोल करके और पजामे का नाड़ा खोल करके, इनको ये बात समझ में आ जाए कि अब भारत से इनको संभल कर और सतर्क रहना ही पड़ेगा। अब आती है बात कि जो मुसलमान रो रहे हैं अब ये 13,000 मदरसे तोड़ दिए जाएंगे, अरे हमारे 13,000 मदरसे तोड़ दिए जाएंगे, अब हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे, पढ़ तो नहीं रहे थे, टू बी वेरी फ्रैंक पढ़ तो नहीं। अश्लीलता का नंगा बाजार तुम लोग खोले हुए थे और जिहादी का तुम लोग मैदान खोले हुए थे। अब बात आती है कि हमारे देश में, इस भारत देश में 1947 से 1977 तक 5 एजुकेशन मिनिस्टर रहे, ठीक है, वो भी कैबिनेट मंत्री, भारत की सरकार का कैबिनेट मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर जो है 5, लेकिन पांचों के पांचों जिहादी माइंडेड, मौलाना अबू कलाम आजाद, हुमायूं कबीर, मोहम्मद करीम, फखरुद्दीन अली अहमद, नूरुल हसन। पर अगर आप सर्वे पे जाइएगा और रिसर्च पर जाइएगा तो इन्होंने कभी भी मुसलमानों के तरक्की, मुसलमानों के डेवलपमेंट, मुसलमानों के फ्यूचर और मुसलमानों की शिक्षा पर कभी कोई बात नहीं की है। आप रिसर्च कर लीजिए, या जिसको भी मेरी बात में नेगेटिविटी दिखाई दे रही है वो रिसर्च कर सकता है, कहीं से भी जाकर के रिसर्च कर सकता है। इन्होंने हिंदुओं को उनके गुरुकुल से दूर किया, हिंदुओं को उनके संस्कार और सभ्यता से दूर किया, उसके बाद फिर हिंदुओं को यह समझाया कि आपके गुरुकुल, आपके संस्कृत, आपके आपके वेद और ग्रंथ से ज्यादा बेटर जो है वो अंग्रेजी लैंग्वेज है और कैथोलिक स्कूल है। साथ साथ उन्होंने मुसलमानों को बताया कि मदरसे में तुम पढ़ोगे और मदरसे में तुम जिहादी और बलात्कारी बनोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है भारत में भारत को कब्जा करने का वो धीरे धीरे सिक्योर होता चला जाएगा। तीसरा इन्होंने क्या किया कि जितने भी स्कूल थे उसमें से शिवाजी महाराज, अशोक जी, उसके बाद फिर भगत सिंह जी, उसमें जितने भी ऐसे योद्धा और वीर गुजरे हैं उनको सिलेबस से हटाना स्टार्ट किया और जबरदस्ती एंटर करवाया। बाबर बहुत अजीम था, औरंगजेब तो बहुत महान था, शाहजहां प्यार का तो प्रतीक था, और हुमायूं तो इतना अच्छा था कि उसके सामने सब मिल करके पूरे भारतवासियों सिजदा कर लो। इन्होंने जानबूझ करके इंटेंशनली ये सारे सिलेबस में डाले। और जब रिसर्च आता है तो पता चलता है कि भाई बाबर तो वो था जो अपने हरम में 13 साल की बच्ची लेकर बैठा रहता था, शाहजहां तो वो था जो मुमताज के लिए ताजमहल तो बनाया था, कब्रिस्तान बनाया था, लेकिन मुमताज की छोटी बड़ी मजली सजली गजली सारी बहनों से शादी किया था, इवन लौंडियां और बांदियां भी रखता था। अब आती है अकबर की बात, तो अकबर तो लेना बैंक भी था और देना बैंक भी था, मर्द और औरत उसको दोनों चलते थे, उसका तो मतलब दोनों रास्ता खुला था। तो इसको अजीम बनाने, दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे नाज़िया खान जी ने आपको सच्चाई बताई कि मदरसों के अंदर एक्चुअली में होता क्या है, मदरसे जो हैं वो कैसे अश्लीलता का बाजार बन चुके हैं और सही कहें जिहाद के लिए जो सबसे बड़ा कारण है वो आजकल मदरसे बन चुके हैं, क्योंकि मदरसों में ही जिहाद सिखाया जाता है और यही आफत की जड़ है। तो इसके बारे में
आपके क्या विचार हैं? और सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि योगी बाबा ने अब फैसला कर लिया है कि बुलडोजर चलेगा। जी हाँ, 13,000 मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलेगा। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।